इस समय हम जौनपुर में, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के छात्र संघ अध्यक्ष रजनीश मिश्रा जी हमारे पास जी हैं। बहुत बहुत सुन लीजिए, धन्यवाद भारत में आपका, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप दावेदारी किए हैं समाजवादी पार्टी में यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 73 में, जी क्या अनुशासन दिए हैं अखिलेश यादव जी आपको? देखिए, हम पुराने कार्यकर्ता हैं। हाँ। हमारा लगभग 14 वर्षों का संघर्ष एक ही दल से शुरू हुआ, समाजवादी दल, और हमने संघर्ष किया। संघर्ष के दौरान अनेकों प्रताड़ना झेला, पूरा जनपद जौनपुर जानता है, लगभग प्रदेश जानता है। तो मैं अपना दावेदारी पेश किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि यदि आप ब्राह्मण को लड़ाते हैं तो रजनीश मिश्रा को लड़ा दीजिए, सबसे अधिक मतों से जीत करके आपकी शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में आपका सम्मान बहुत ज्यादा, उसका कारण ये है कि हर लोग ठाकुर और तमाम ब्राह्मण सब भारतीय जनता पार्टी में भाग गए, लेकिन आप एक ऐसे ब्राह्मण है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं इस हालत में। देखिए, समाजवादी पार्टी की विचारधारा हमें पसंद है, समाजवादी पार्टी का काम करने का तरीका हमें पसंद है, और हमारे युवा दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी युवाओं का सम्मान करते हैं। आपको आए होंगे कि चलिए भाजपा में चलिए, बहुत लोग आए होंगे आप, किसी की हिम्मत नहीं है और किसी की हैसियत नहीं है हमें भाजपा में ले जाए। नहीं, बात तो किए होंगे कि चलिए भाई भाजपा में चलते हैं। हमने बताया ना, हमारा जो कारवा है समाजवादी दल से शुरू से हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, और हमारे तेज को देख करके किसी भाजपा के नेता को हिम्मत नहीं है कि हमसे बात करे कि भाजपा में जाए या कांग्रेस में जाए। तो 73 में सर चुनाव अखिलेश यादव जी आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर, यदि वो अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं भी देते हैं तो जो भी प्रत्याशी बनकर के आएगा उसका पूरा सम्मान करते हुए अधिक मतों से जितना हो सकेगा प्रचार प्रसार करके भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। कुछ लोग हैं सर, कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में धनंजय सिंह भी टिकट पा सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा अफवाह है कि धनंजय सिंह? निश्चित तौर पर अफवाह है। धनंजय सिंह भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं निर्दल प्रत्याशी बन के? अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसका मैं कुछ नहीं उनके बारे में कहना चाहता, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी, जो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होगा मैदान में आएगा, चुनाव लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का नारा है अबकी बार 400 पार, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? सारे नारा उनका फेल होंगे, हमको तो लगता है वो 4 भी पार नहीं कर पाएंगे, 400 तो बड़ी दूर की बात है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का है सरकार बनाने का काम करेगा। तो कृपा शंकर सिंह को यहाँ की जनता पसंद कर रही है? एकदम नहीं पसंद कर रही है, वो कह रहे हैं कि हम प्रॉपर मल्हनी के हैं। जनता उसे पसंद करेगी जो कि जनता के दुख दर्द में शामिल होगा, सम्मिलित होगा। ये नहीं, कृपा शंकर सिंह मल्हनी के रहने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गुजरात से आए हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर हो सकता है उनका मूल निवास यहाँ रहा हो, लेकिन जब दुख दर्द में यहाँ पे भागीदारी नहीं निभाए तो जनता कह रही है कि बाहरी होंगे। जनता बार बार, हम बहुत लोगों से इंटरव्यू किए हैं, सब लोग बोल रहे हैं जो बाहर से आए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर भाई, जब दुख दर्द में आप नहीं शामिल होंगे जनपद जौनपुर वासियों के लिए, किसी की मदद नहीं करेंगे, तो हो सकता है बाहरी का तबका लगाएंगे ही। सर, 74वां लोकसभा मछली शहर जो है, इसके बारे में किसका रुझान है, अखिलेश भैया किसको टिकट दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं सब टिकट के आवेदन किए हुए हैं, और जो भी प्रत्याशी होगा यहाँ भी लड़ाया जाएगा। बिल्कुल लड़ाया जाएगा। तो सर, हमें सबसे पहले बताएं, बसपा क्या सपा और बसपा गठबंधन हो सकता है इस बार? नहीं, अभी तो अंदेशा नहीं है, बसपा पूरा फेलियर है, बसपा के पास वोट नहीं है। बसपा का वोट नहीं है? नहीं, बसपा के पास वोट नहीं है, और समाजवादी पार्टी ही विपक्ष में केवल भूमिका निभा रही है, लड़ाई लड़ रही है। भ्रष्टाचार है और नौकरी नहीं आ रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर है, सभी जानते हैं, महंगाई चरम पर है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और अन्य अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। निश्चित तौर पर जनता इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी में सर जो आवाज उठा रहा है विपक्ष पार्टी से, उसे जेल कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर, जो भी जरा सा भी डर नहीं लगता आप इतना आवाज उठाते हैं? देखिए, मैं ईमानदार नेता हूँ, मैंने कभी दलाली मुरदाली नहीं की, मैं हमेशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ता हूँ, किसानों छात्रों नौजवानों की लड़ाई लड़ता हूँ। आप देख सकते हैं छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए हमने एक एक महीने बिना खाए आमरण अनशन किया, तो मैं हमेशा छात्रों का हितैषी रहा हूँ, और हमें क्या कैसा डर। पर क्या लग रहा है कि धनंजय सिंह इस बार निर्दल प्रत्याशी बनेंगे, उनकी और चुनाव लड़ेंगे यहाँ?
देखिए वो तो उनका विषय है, लड़े या न लड़े भाई, अब ये सवाल तो उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। सर हमें सबसे पहले बताइए कि पूरे प्रदेश में कितना सीट आप निकाल के देंगे अखिलेश यादव जी को? निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा 400 किनारा वो दे रहे हैं, लेकिन 400 पार जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का करने का काम करेगा। पर आजमगढ़ जो सीट है, आजमगढ़ में क्या स्थिति रहेगी? आजमगढ़ बड़ा ही अच्छा रुझान है, माननीय आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, और ये जो आए हुए हैं